नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कोरोना महामारी वच्चे सर्जाई लॉकडाउन परिस्थिति में कक्षीला विद्यालय बार्ड ना ऑनलाइन शिक्षण कार्य में हूँ वारण बरदेवियन आप सर्वे नु हार्दिक स्वागत करू छु। आपने दौरान 8 विषय गणित चैप्टर नंबर 2 एक चल सुरेख समीकरण जेमो लेक्चर नंबर 7 नी अंदर दाखला नंबर 8 नी चर्चा करीशु। तो जो मित्रों जेम आपने दाखलो 1 2 3 4 5 6 7 ए अगाउना लेक्चर नी अंदर सीखी गया। हवे दाखला नंबर 8 जोइए। तो जो अहीं चढ़ता क्रम में रहेली त्रण क्रमिक पूर्णांक संख्याओं ने चढ़ता क्रम में रहेली त्रण क्रमिक पूर्णांक संख्याओं ने अनुक्रमे एटले के वारफरती 2 3 4 वडे गुणाकार करी अने सरवाळो करतो। जो सरवाळो पहला जो 2 पछी 3 अने पछी 4 एना वडे गुणाकार करवानो छे अने पछी एनो सरवाळो करतो सरवाळो केटलो मळे छे 74 आवे तो ते संख्या शोधो। बराबर, तो ए संख्याओ शोधवानी छे। तो चालो मित्रों हवे दाखलानी गणतरी करवानी शुरू करिए। तो पहला अहीं विधान समझवू जरूरी छे। चढ़ता क्रम में रहेली त्रण क्रमिक पूर्णांक संख्याओ, तो अहीं चढ़ता क्रम में रहेली पहला तो त्रण क्रमिक पूर्णांक संख्याओ लखवी पड़े। तो आपने लखीए, धारो के प्रथम क्रमिक पूर्णांक संख्या एक्स छे। तो धारो के प्रथम क्रमिक पूर्णांक संख्या एक्स छे। बराबर, हवे क्रमिक कहेली छे तो एक्स पछी शुं मळे, एक्स प्लस वन क्रमिक कहेली छे। तो बीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या कई मळे, जो पहली एक्स होय तो बीजी कई थाय, एक्स प्लस वन थाय। बराबर, तमे एक्स ना स्थाने एन बंधाड़ी सको छो। हवे त्रीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या, तो अहियो एक्स हतो पछी एक्स प्लस वन पछी त्रीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या कई आवे, तो एक्स प्लस टू मळे। बराबर, तो त्रीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या एक्स प्लस टू थाय। बराबर, आ त्रण क्रमिक पूर्णांक संख्याओ थाय, पहली एक्स, बीजी एक्स प्लस वन अने त्रीजी एक्स प्लस टू थाय। हवे जो त्रण क्रमिक पूर्णांक संख्याओ तो आपने लीधी, पछी संख्याओ ने अनुक्रमे लेके वारा फरती 2 3 4 वडे गुणाकार करी। केटला वडे गुणाकार करवानो छे? पहली संख्या ने 2 वडे, बीजी संख्या ने 3 वडे अने त्रीजी संख्या ने 4 वडे गुणाकार करी अने सरवाळो करतो, जो सरवाळो 74 आवे। अहीं ए त्रणे क्रमिक संख्याओनो 2 3 4 वडे गुणाकार करी એનો સરવાળો કરવાનો છે અને સરવાળો કેટલો મળે છે? 74 મળે છે। તો આપણે લખી દઈએ કે ત્રણે ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યાનો બે વડે, 3 વડે અને 4 વડે गुणाकार, जो 2 3 4 वडे गुणाकार करवानो छे, 2 3 4 वडे गुणाकार करी अने सरवाळो करतो,
सरवाड़ो करतो सेवंटी फोर एटले के केटला मळे छे चौतेर आए छे चौतेर मळे छे बराबर। तो अहींया जो प्रथम क्रमिक पूर्णांक संख्या कई हती तो प्रथम क्रमिक पूर्णांक संख्या एक्स हती अहींया समीकरण बनावे छे प्लस बीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या कई हती एक्स प्लस वन हती अने त्रीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या कई हती तो एक्स प्लस टू हती अने त्रणेयनो सरवाळो केटलो थतो तो त्रणेयनो सरवाळो चौतेर बराबर। पर एने अनुक्रमे केटला वडे गुणवाना हता पहेली संख्या ने बे वडे गुणवानी हती तो एक्स ने बे वडे गुणी नाखे पछी बीजी संख्या हती कई हती एक्स प्लस वन एने केटला वडे गुणवानी हती त्रण वडे तो बीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या ने त्रण वडे गुणीए पछी त्रीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या कई हती एक्स प्लस टू हती तो त्रीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या ने चार वडे गुणीए जो चार वडे गुणाकार करे तो सरवाळो केटलो मळे छे चौतेर गुणाकार करी एनो सरवाळो कर दो सरवाळो चौतेर मळे छे बराबर। हवे जुओ एनो जे सादु रूप आपवानुं छे ए सादु रूप आपी दईए तो माटे एक्स प्लस अहींयो जो त्रण नो गुणाकार एक्स जोड़े थाय एटले शुं थाय त्रण एक्स पछी प्लस त्रण नो गुणाकार एक जोड़े करीए तो शुं थाय त्रण थाय पछी चार नो गुणाकार एक्स जोड़े करीए तो चार नो गुणाकार एक्स जोड़े शुं थाय चार एक्स थाय प्लस चार नो गुणाकार बे जोड़े करीए एटले चार गुणिया बे केटला थाय आठ थाय बराबर। अने हवे एनो सरवाळो करतो चौतेर मळे छे। हवे जो मित्रो अहीं गुणाकार करते वखते खास ध्यान राखवानुं त्रण नो गुणाकार एक्स प्लस वन जोड़े छे एटले त्रण नो गुणाकार एक्स प्लस वन जोड़े ज करवानो पहेला त्रण नो गुणाकार एक्स जोड़े करता है त्रण एक्स थाय पछी त्रण नो गुणाकार एक जोड़े करता त्रण मळे एज प्रमाणे चार नो गुणाकार एक्स जोड़े करता चार एक्स मळे अने पछी चार नो गुणाकार बे जोड़े करता आठ मळे। हवे परिणाम केटलो मळे छे चौतेर मळे छे बराबर। हवे जुओ सजातीय पदो होय एना सरवाळो करतो तो यो बे एक्स चल छे एवुं बीजुं पद थयुं छे त्रण एक्स छे अने त्रीजुं पद थयुं छे चार एक्स छे तो चार एक्स अने त्रण एक्स केटला थाय सात एक्स थाय सात एक्स अने बे एक्स केटला थाय नव एक्स थाय तो यो नव एक्स प्लस हवे जो त्रण अने आठ ए बंने अचर पदो छे ए बंने नो सरवाळो करीए तो आठ अने त्रण केटला थाय नव दस अने अग्यार थाय बराबर। तो नव एक्स प्लस अग्यार बराबर परिणाम केटलुं मळतुं हतुं चौतेर मळतुं हतुं तो अहीं बराबर सेवंटी फोर। हवे जुओ प्लस अग्यार छे एने जमणी बाजु लई जईए तो शुं थाय माटे नव एक्स बराबर चौतेर माइनस अग्यार करीए। हवे जुओ चौतेर माथी अग्यार बार करवाना छे माटे अयो चौतेर माथी अग्यार बार करीए तो नव एक्स बराबर जो चार माथी एक बार करीए तो त्रण वधे पछी सात माथी एक बार करीए तो छ वधे तो केटला थाय त्रेसठ थाय बराबर। चौतेर माथी अग्यार बार करीए तो केटला मळे छे त्रेसठ मळे छे। હવે જો એક્સ જોડે નવ ગુણાકારમાં છે જમણી બાજુ જાય તો શું થાય ભાગ્યાકાર થાય માટે એક્સ બરાબર ત્રેસઠ ભાગ્યા નવ। હવે જો મિત્રો આ તમને સીધો છેદ ઉડાડતા આવડે તો ઉડાડો અથવા તો ના આવડે તો તમે એનો એના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીને પણ છેદ ઉડાડી શકો છો। અહીંયા જો નવના ઘડિયામાં ત્રેસઠ આવે છે તો હા નવ સાત ત્રેસઠ થાય માટે એક્સ બરાબર કેટલા મળે છે માટે એક્સ બરાબર સાત થાય બરાબર। તો જો એક્સ ની કિંમત આપણને કેટલી મળી સાત
एक्स बराबर सात थया तो प्रथम क्रमिक पूर्णांक संख्या कई थी एक्स तो प्रथम क्रमिक पूर्णांक संख्या एक्स बराबर सात मिली पहले लखी दिए प्रथम क्रमिक पूर्णांक संख्या एक्स बराबर सात मिली हवे बीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या कई थी तो बीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या एक्स प्लस वन थी तो जो बीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या कई थी एक्स प्लस वन थी एक्स प्लस वन हो थी अहिया जो एक्स की किंमत आपने मिली गई है कई मिली तो सात प्लस हवे जो एक हतो तो सात प्लस एक बराबर केटला थाय आठ थाय हवे त्रीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या शोधवानी छे तो जो त्रीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या कई छे एक्स प्लस टू होवाथी एक्स ने किंमत मुकी एक्स ने किंमत कितनी मिली सात सात प्लस बे बराबर कितना थाय नौ तो जो प्रथम क्रमिक पूर्णांक संख्या एक्स बराबर सात मिले छे बीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या आठ मिली छे अने त्रीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या नौ मिले छे तो मित्रों दाखला नी अंदर तमने संपूर्ण समझ पड़ी गया छे तो चलो एक बार दाखलो फरीथी जोई लईए जो मित्रों अहीं पहला रकम जे आपेली होय दाखलानी ए ध्यानथी वाँचवानी चढ़ता क्रममां रहेली त्रण क्रमिक पूर्णांक संख्या अहीं त्रण क्रमिक पूर्णांक संख्याओ जे आपणने आपेली नहोती बराबर तो धारो के प्रथम क्रमिक पूर्णांक संख्या एक्स छे हवे बीजी क्रमिक करेली छे बराबर तो अहीं एक होय तो एक पछी तैयारीमां क्रमिकमां कयो आवे तो बे कई रीते आवे एकमां एक उमेर्यो बराबर तो अहीं जो बीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या एक्स प्लस वन थाय एक्स नी अंदर एक उमेरीए बराबर पछी त्रीजी पण कहेली छे जो त्रीजी क्रमिक पूर्णांक संख्या एक्स प्लस वन बीजी हती तो एनी अंदर बीजो एक उमेरीए तो शुं थाय एक्स प्लस टू थाय हवे जो त्रणेय क्रमिक पूर्णांक संख्याओ नो गुणाकार बे त्रण अने चार वडे गुणाकार करवानो छे अने सरवाळो करतो एनो गुणाकार करी अने सरवाळो करतो परिणाम केटलो मळे छे 74 मळे छे बराबर तो अहीं प्रथम क्रमिक पूर्णांक संख्या एक्स हती बीजी एक्स प्लस वन हती अने त्रीजी एक्स प्लस टू हती एनो वारा परथी पहली संख्या ने बे वडे गुणवानी हती एटले बे वडे गुण्या बीजी संख्या ने त्रण वडे गुणवानी हती एटले त्रण वडे गुण्या अने त्रीजी संख्या ने चार वडे गुणवानी हती एटले चार वडे गुण्या बराबर परिणाम केटलुं मळे छे 74 मळे छे हवे जुओ बे एक्स प्लस अहीं त्रण नो गुणाकार एक्स प्लस वन जोड़े छे एटले त्रण नो गुणाकार पहला एक्स जोड़े थाय एटले के त्रण एक्स थाय पछी त्रण नो गुणाकार एक जोड़े थाय एटले के पछी त्रण एका त्रण थाय पछी चार नो गुणाकार एक्स प्लस बे जोड़े करवानो छे एटले चार नो गुणाकार एक्स जोड़े करिए तो शुं थाय चार एक्स थाय प्लस चार नो गुणाकार बे जोड़े करिए एटले चार गुण्या बे बराबर केटला थाय आठ थाय बराबर परिणाम केटलुं मळे छे 74 मळे छे हवे जो बे एक्स सजातीय पदो होय एनो सरवाळो थाय तो बे एक्स प्लस त्रण एक्स बे एक्स अने त्रण एक्स केटला थाय पांच एक्स थाय पांच एक्स प्लस चार एक्स तो केटला थया नव एक्स थाय प्लस अहीं त्रण अने आठ आठ अने त्रण केटला थाय अग्यार थाय बराबर 74 थाय छे हवे जो नव एक्स बराबर प्लस अग्यार डाबी बाजुए हता जमणी बाजुए लावीए तो शुं थाय
बादबाकी थाय तो 9x बराबर 74 माइनस 11 करिए, 74 माथी 11 बाद करिए तो 4 माथी 1 बाद करिए तो 3 वधे, 7 माथी 1 बाद करिए तो 6 वधे, तो मळ्या केटला? तो x बराबर 63 मळे छे, तो 9x बराबर 63 मळ्या। हवे जो x बराबर 63 ना छेद मां 9, 9 गुणाकार मां हता, जमणी बाजू जाय तो शुं थाय? भागाकार थाय, तो x बराबर 9 7 63 थाय, तो x बराबर केटला मळ्या? 7 थाय छे। હવે જો પ્રથમ ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યા x બરાબર આપણને 7 મળી ગઈ, હવે બીજી ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યા આપણે શોધવાની હતી, તો બીજી ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યા આપણે x + 1 ધારી દી, તો x ની કિંમત આપણને 7 મળી, તો 7 + 1 કરીએ કેટલા થાય? 8 થાય। પછી ત્રીજી ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યા કઈ હતી? x + 2 હતી, બરાબર આપણે ધારી દી, હોવાથી અહીંયા x ની કિંમત 7 મૂકીએ, 7 + 2 બરાબર 7 ને 2 કેટલા થાય? 9 થાય। અહીંયા જો ક્રમિક જ કીધેલું અને અહીંયા આપણને જો 7 પછી કેટલા મળ્યા? 8 મળ્યા, અને 8 પછી 9 મળ્યા, ક્રમમાં જ મળે છે। તો તમે તમારા જવાબની ચકાસણી કરી શકો છો। અહીંયા જે પ્રથમ ક્રમિક સંખ્યા આપી છે એને 2 વડે ગુણો એટલે 7 2 14 થાય, જે બીજી સંખ્યા આપેલી છે એને 3 વડે ગુણો એટલે 8 તારીખ 24 થાય, અને ત્રીજી છે એને 4 વડે ગુણો એટલે 9 ગુણ્યા 4 36 થાય, અને ત્રણેયનો સરવાળો કરો તો તમને 74 જ મળે, જો તમારે તાળો મેળવવો હોય તો। તો મિત્રો અહીંયા તમને સંપૂર્ણ સમજ પડી ગઈ હશે, તો હું આગળના લેક્ચરની અંદર આપણને દાખલા નંબર 9 વિશે ચર્ચા કરીશ। તો થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એકવાર આ દાખલો ધ્યાનથી જોઈ લેજો, સમજી લેજો, જો સમજ ના પડે તો પુશ કરીને અથવા તો કટ કરીને ફરીથી જોજો, જેથી સંપૂર્ણ સમજ પડી જાય, અને નોટ ની અંદર નોટ ડાઉન કરજો, જેથી કોઈ પણ સમયે તમારે જો આ દાખલો ફરીથી ગણવો હોય તો તમને તકલીફ ના પડે, બરાબર। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો।